हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मींस कंप्यूटर का विशेषता क्या है फर्स्ट कैरेटरस्टिक इज स्पीड आप जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो वो सब प्रोसेसिंग करके कंप्यूटर को सेकंड में आपको आउटपुट या रिजल्ट देता है आप ऐसा समझ सकते हो कंप्यूटर मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को एक सेकंड में कंप्लीट करके आउटपुट देता है मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ सपोज एक बड़ा कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन को ह्यूमन करने के लिए बहुत टाइम लगता है बट सेम कैलकुलेशन को कंप्यूटर कुछ सेकंड में मीन्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करके आउटपुट देता है सो कंप्यूटर इज वेरी फास्ट एंड स्पीड मशीन देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एक्यूरेसी मीन्स कंप्यूटर जो हमको आउटपुट या रिजल्ट देता है वो सब हंड्रेड परसेंट करेक्ट रिजल्ट है उस रिजल्ट में कुछ रॉन्ग नहीं है सो कंप्यूटर प्रोवाइड्स एक्यूरेट रिजल्ट बट सपोज इनपुट में कुछ एरर है और इनएकुरेट डाटा है तो रिजल्ट में एरर आएगा तो आप कंप्यूटर को रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हो तो कंप्यूटर गलत आउटपुट या गलत रिजल्ट प्रोवाइड करेगा सो so, कंप्यूटर को सपोज आप करेक्ट डाटा प्रोवाइड करते हो देन कंप्यूटर गिव्स करेक्ट आउटपुट ओके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डिलीजेंस सपोज आप एक पर्सन को बहुत सारा काम देते हो वो पर्सन एट टू टेन आवर्स कंटिन्यूसली काम करने के बाद वो पर्सन टायर्ड फील करता है बोरिंग हो जाता है ओके okay. सो so, उसका जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाता है इसलिए एक पर्सन एट टू टेन आवर्स कंटिन्यूसली काम करने के बाद वो रॉन्ग रिजल्ट प्रोवाइड करता है बट इन केस ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर कैन वर्क फॉर ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आवर्स विथ द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड विदाउट एनी टायर्ड नॉन स्टॉप एंड एनी फॉल्ट सो कंप्यूटर कंटिन्यूसली काम करने के बाद वो सेम स्पीड एंड एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है उसका जो है एंड स्पीड में कुछ भी चेंज नहीं होता है ओके okay. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वर्साटिलिटी इट इज़ द बेस्ट फीचर इन कंप्यूटर आप कंप्यूटर में एक साथ स्टडी कर रही हो गाना सुन रही हो गेम खेल रही हो नोट्स लिख रही हो बहुत सारा काम एक साथ कर रही हो सो so, आप सेम टाइम में डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क को कर सकते हो कंप्यूटर में विथ द सेम स्पीड एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी सो आप कंप्यूटर में बहुत सारा काम एक साथ करने के लिए उसका जो स्पीड है वो स्पीड में चेंजेस नहीं आएगा ओके okay. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ रिलेबिलिटी सपोज आप एक स्टूडेंट हो तो आप स्टडी करने के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हो सपोज एक बिजनेस मैन है उसका बिजनेस हैंडल करने के लिए वो कंप्यूटर यूज़ करता है एंड सपोज एक गेमर है वो गेम खेलने के लिए कंप्यूटर यूज़ करता है एंड सपोज़ एक प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट करने के लिए कंप्यूटर यूज़ करता है सो ऑल आर डिपेंड ऑन कंप्यूटर्स ओके सो कंप्यूटर इज ए ट्रस्टेड थिंग्स कंप्यूटर इज ए रिलेबल मशीन डैट कैन बी ट्रस्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड बिकॉज इन टूडेज लाइफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर फॉर देअर वर्क जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब कंप्यूटर में ही काम करते हैं ओके सो कंप्यूटर इज ए रिलेबल मशीन नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी सपोज आप कंप्यूटर को मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ़ टैक्स प्रोवाइड करते हो वो कंप्यूटर इसको इजीली कंप्लीट करता है एंड कंप्यूटर 24 फोर इंटू सेवन आवर्स तक कंटिन्यूसली काम करता है एंड कंप्यूटर के पास एक कंसिस्टेंसी है सो इसलिए कंप्यूटर उसका जो स्पीड एंड एकस में कुछ चेंजेस नहीं होता है वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली काम करता है ओके नेक्स्ट वन इज मेमोरी कंप्यूटर हैव यूज स्टोरेज कैपेसिटी सो दैट इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मीन्स कंप्यूटर के पास इतना मेमोरी है वो बिग डाटा को स्टोर करके परमानेंटली रख सकता है ओके सो so कंप्यूटर के पास स्टोरेज कैपेसिटी टीबी में होता है मीन्स टेरा बाइट ओके नेक्स्ट वन इज ऑटोमेशन कंप्यूटर इज ऐटोमेशन मीन्स कंप्यूटर एक टैक्स कंप्लीट करने के बाद दूसरा टैक्स स्टार्ट करता है ओके कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर अगेन एंड अगेन ओके दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आई होप आपको कैरेटरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए